में नगर निगम जिस स्तर पे अच्छा कार्य कर रहा है उससे बढ़ चढ़ के अच्छा कार्य, अगर सही मायने में कोई सरकार काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शॉर्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा शर्मा। करावल नगर के निगम पार्षद पुनीत शर्मा का आज जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने उनसे की दिल्ली के विकास और करावल नगर के विकास को लेकर कुछ खास बातचीत, आइए जानेंगे। तीनों पालिका एक हो गई है, तीनों नगर निगम एक हो गए हैं, तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे आप एमसीडी चुनाव में काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नगर निगम एक होना बहुत जरूरी था। जैसा आप जानते हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम, इन दोनों नगर निगमों में फंड की काफ़ी कमी से निगम पार्षद उस लेवल का काम नहीं कर पाते थे जो उन्हें करना था। हम कोई रोड बनाना अगर चाहते तो नहीं बना पाते थे, फंड नहीं होता था। कोई विकास के कार्यों में हमें कमी होती थी, जो भी नगर निगम के नालों की समस्या होगी हम उनको दूर कर पाएंगे। लोग हमारे सबसे बड़ी समस्या आप देखते हैं, बारह हड़ताल की टीचर्स हड़ताल के होते थे, कभी सफाई कर्मचारी हड़ताल के होते थे फंड की वजह से, सैलरी की वजह से। अब वो समस्या नहीं आएगी तो सभी लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे और दिल्ली का विकास नगर निगम के साथ ही हो सकता है। दिल्ली का विकास तो केजरीवाल पहले कर चुके हैं आपका, तो इसमें नगर निगम का कैसे रोल है? नगर निगम आज दिल्ली को बर्बाद कर रही है, उस सरकार के खिलाफ अगर सही मायने में कोई सरकार काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम है जो दिल्ली सरकार की आपका नीति को रोकने का कार्य भी कर रही है और दिल्ली सरकार जो काम नहीं कर रही है उसको उजागर करने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे हमारे सामने आप हमारी मुख्य सड़क की बात करें तो इस सड़क को बनते ही 15 दिन के अलग टूट गई, तो यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने इसको कभी देखा नहीं, कभी इसके बारे में सोचा नहीं, यहाँ की जनता के बारे में सोचा नहीं। अगर इसके लिए प्रदर्शन का कार्य भी कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम एलजी के माध्यम यहाँ की जनता पूर्वी करावल नगर और शिवप्रयाग वार्ड की जनता विधायक से परेशान है। 2.5 साल से विधायक नजर नहीं आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ और इसलिए जनता निगम के साथ झूके चल रही है और इन दोनों वार्डों से निगम पार्षद फिर से भारतीय जनता पार्टी के आपको मिलेंगे और आने वाले टाइम में विधायक भी मुद्दा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा। जनता आम आदमी पार्टी और विधायक के खिलाफ देखिए, मेरा जन्मदिन है ये तो सभी को पता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जन्मदिन पे अभी जैसे दिल्ली में द्वारा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप जो भी मुझे विश करना चाहता है वो फ़ोन से व्हाट्सएप से, सुबह से मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप्स आ रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ और सभी को धन्यवाद करता हूँ कि शुभकामनाओं के लिए। एक सवाल और, आपने बोला कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं तो ये केजरीवाल सरकार का मास्क हटाना, मास्क फ्री दिल्ली करना, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है, कोरोना के केस आगे बढ़ेंगे, एक राजनीति है। देखिए, अब कोरोना के केस जैसे बढ़ रहे हैं मैं तो कहना चाहूँ दिल्ली सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि मुझे जैसे सुनने में आया कल दिल्ली के अंदर 126 नए केस दोबारा आए हैं, 100 का आंकड़ा फिर पार हुआ है। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार होश में आए, जो पूरे देश में भाग रहे हैं, कभी उत्तराखंड भाग रहे हैं, कभी हिमाचल प्रदेश भाग रहे हैं, कभी गुजरात भाग रहे हैं, जहाँ पर आप सीएम हैं वहाँ पर ध्यान दें और दिल्ली की जनता के लिए सोचें और दिल्ली में कोरोना को दोबारा बढ़ने से कैसे रोका जाए उस पर काम करें।